अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैंने सोचा कि मैं कुछ हट के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। व्लॉग्स तो आप लोग मेरे देखते ही हैं, तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने वेट लॉस की स्टोरी आपसे शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये जो आप दो पिक्चर्स देख रहे हैं बिफ़ोर और आफ्टर की, ये मेरी अपनी हैं। और इस वीडियो में जितनी भी आप पिक्चर्स देखेंगे वो सब मेरी अपनी ही हैं और मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, क्योंकि मैं आप लोगों से जो स्टोरी शेयर करना जा रही हूँ अभी, जो करने जा रही हूँ, तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि जो येलो वाली है मेरी, ये मेरी बिफ़ोर की है, और जो मेरी अभी है ब्लैक में, ये बिल्कुल ही मेरी रिसेंट पिक्चर है। तो जी किस्सा कुछ यूँ है कि मैं शादी के बाद जो है काफ़ी सारे मेरे इश्यूज स्टार्ट हो गए मेरे, और ये हुआ कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, बहुत ज़्यादा। टोटली मैं मेडिकेशंस पे थी और मेरी बॉडी स्वेल होती जा रही थी, और मैं कभी भी बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं रही, कभी भी बहुत ज़्यादा स्किनी रही नहीं रही हूँ, बट ये है कि मैं हेल्दी था। मेरा वेट बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं था, बट एक हेल्दी मेरा वेट था। तो क्या हुआ कि शादी के बाद जब मेरे कुछ हेल्थ के इश्यूज स्टार्ट हुए, तो डे बाय डे मेरा वेट इंक्रीज़ होता जा रहा था, और मतलब एक टाइम ऐसे आया कि एक तो बहुत ज़्यादा मेरा डबल हो गया वेट, हेल्थ के बहुत इश्यूज आ गए, और मैं टोटली 6 मंथ्स के लिए बिल्कुल ही बेड रेस्ट पर आ गई। और एट दैट टाइम मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज़्यादा। वेट का तो जो था सो था, बट हेल्थ के मेरे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो यूँ हुआ कि मैंने ये डिसाइड किया कि क्या मुझे इसी तरह डिप्रेशन में रहना है या मुझे इस डिप्रेशन से निकलना होगा। तो मैंने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया इस चीज़ के लिए, मैंने अपने आप को समझाया, और ये हुआ कि मैंने उसके बाद नेट पर, यूट्यूब पर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। मैंने बहुत ज़्यादा उस पर सर्च किया, रिसर्च की मैंने, और फिर जी मैंने अपना वेट लॉस जो है वो कर, मतलब उसकी जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, वेट लूज़ करना मैंने स्टार्ट किया। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एक चीज़ मैंने अपने माइंड में रख ली थी कि कुछ भी हो जाए मैंने फाके नहीं करने, मैंने भूखा नहीं रहना। क्योंकि जब आप भूखा रहना ज़्यादा स्टार्ट करते हो, जब आप फाके करना स्टार्ट करते हो, एक तो आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ही स्लो हो जाता है, सेकेंडली जब आप खाते हो तो आप बहुत ही डबल खाते हो, आपकी भूख ख़त्म ही नहीं होती है, और तीसरी ये बात कि कुछ हफ्ता 10 दिन के बाद ही आप बिल्कुल फेड अप होकर आप डाइट छोड़ देते हो। और ये काफ़ी बार मैं कर चुकी हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको अपना बता रही हूँ। तो जी मैंने सबसे पहले, मेरी यही कोशिश थी कि मैंने अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखना स्टार्ट कर दी, मैंने बहुत ज़्यादा इस पर पढ़ा, मैंने कोई भी जिम नहीं ज्वाइन की, बट मैंने क्या किया कि मैंने हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने ओट्स जो है, ओट्स की डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़, ब्रेड, बिस्किट्स, ये चीज़ें देखी बनाना शुरू कर दी। नाश्ते में भी खाती, मैं उसकी हलीम भी बना लेती, ब्रेकफास्ट में भी लेती, बट ये है कि अगर मैं एक दिन ओट्स सिर्फ एक टाइम पर ही लेती थी। उसके अलावा मैंने चिकन काफ़ी खाना स्टार्ट कर दिया, उसको स्टीम करके, रोस्ट करके, बेक करके, फ़िश खाना स्टार्ट कर दी। उसके अलावा दालें हो गई, सूप्स हो गए, चना चाट हो गई, हर तरह के बीन्स, ब्लैक चने, और इस तरह की चीज़ें जो है मैंने खाना स्टार्ट कर दी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि खाली सैलड खाने से और डीटॉक्स वाटर पीने से और इन चीज़ों से, एप्पल साइडर से आप लोग पतले हो जाओगे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उसके साथ जितनी मैंने नेट पे इसको सर्च किया है, जितना मैंने देखा है और अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके देखा है, तो ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत हैं। वो सिर्फ आपकी हेल्प करती हैं, ग्रीन टी हो गई, डीटॉक्स हो गया, एप्पल साइडर, ये मैंने एप्पल साइडर लिया, मुझे बहुत सूट करता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इतना ठूस ठूस के खाऊं और उसके बाद मैं एप्पल साइडर लेकर पी कर ये कहूँ कि हाँ जी अब मेरा वेट लूज़ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कभी भी नहीं होता ऐसे।
और हेल्दी डाइट के साथ जी मैंने ओट्स की रोटी और दाल की रोटी ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की, शकरकंदी, स्वीट पोटैटोज़ जो हैं वो भी मैं खाती थी, मैं अपने लिए डिफरेंट टाइप के सालसास, चटनीज, इमली की चटनी, ये चीज़ें सब मैं घर में बनाती थी। और क्या हुआ कि मैं अपने फूड को इंजॉय करने लग गई, मैं कोशिश करती थी कि मुझे जितनी मतलब जल्दी भूख लगती थी मैं फ़ौरन कुछ ना कुछ ले लेती थी, खजूर खाती थी, इवन कि पंजीरी भी मैं खाती थी, और उसके साथ जी मैं खजूर की एनर्जी बॉल्स बनाती थी। और कुछ नहीं होता था, मैं कहीं बाहर जाती थी तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से एग जो है वो बॉयल करके हमेशा मेरे बैग में होता था, क्योंकि बॉयल्ड एग जो होता है वो फुल ऑफ प्रोटीन है, आपको काफ़ी देर तक फुल रखता है। तो मैं स्वीट पोटैटोज़ या थोड़े से नट्स हो गए या एग हो गया, ये तो हमेशा ही मैं बैग में रखती थी, जब भी कहीं जाती थी मुझे भूख लगती फ़ौरन मैं ले लेती थी। और उसके साथ जी मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ, आप जब भी डाइट करते हो, हेल्दी डाइट करते हो, नॉट फाके वाली डाइट की मैं बात नहीं कर रही, जब भी आप हेल्दी डाइट करते हो देखें आपको अपनी लाइफ में ना प्रोटीन भी चाहिए, उसके साथ आपको जो है वेजिटेबल्स भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए। तो हर चीज़ को मैंने मैनेज करके डाइट किया है। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे जो उस टाइम के इश्यूज़ थे डाइट के, मतलब मेरी हेल्थ के जो इश्यूज़ थे डाइट के तो थे ही थे, तो मैं टोटली मेडिकेशंस पे थी, मैं टोटली जो है इतना मेरा बुरा हाल था कि जितनी मैंने डाइट किया और जितनी मैंने एफ़र्ट किया, अगर मेरी जगह कोई और होता और इतना करता तो वो बिल्कुल स्किनी हो जाता। बट मेरे मतलब आप ये समझें कि मैं डबल ट्रिपल एफ़र्ट करने के बाद भी जो है मैंने अपना 20 से 25 kg वेट कम किया है, और इतना इजी नहीं है। अगर आप 1 kg भी वेट कम करते हो तो आपको पता चल जाता है कि वेट कम करना कितना डिफ़िकल्ट है, बट मैंने बहुत ही इंजॉय करके किया है। उसके साथ जी मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल ही वॉक नहीं कर सकती थी, मैंने आपको बताया कि मैं अपने मतलब सहारा लेके ही चलती थी, मैं चल भी नहीं सकती थी, तो मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया। मैंने क्या किया कि मैं घर में जो है LED पे वूफर्स में सॉन्ग्स लगा लेती थी, मैं नेट पे ही कनेक्ट कर लेती थी और मैं उसको देख देख के एरोबिक्स करती थी, मैं जुम्बा करती थी, मैं कार्डियो करती थी और मैं वॉक करती थी वहीं पे रूम में ही, बाहर मैं बिल्कुल नहीं गई हूँ। मैं पूरा मतलब मैंने एक टाइम रखा हुआ था कि 3 o'clock या 3:30 तक मैंने अपनी एक्सरसाइज पूरी करनी है, चाहे वो 15 minutes की हो, चाहे वो 30 minutes की हो, चाहे वो 1 hour की हो, बट जितना मेरा था कि मैंने इतनी करनी है तो वो मैं खुद करती थी। साथ में अपनी डाइट भी कंट्रोल करती थी, और आप यकीन करें कि मतलब मुझे 1 week के बाद बहुत ही स्लोली मुझ पे जो है इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया। और एक चीज़ और भी थी कि मेरा जो मैं जब इस्लामाबाद में थी तो एक और चीज़ भी थी कि मेरे घर में साइकिल भी मैंने रखी हुई थी, उसके साथ मैंने एपकिंग भी रखी हुई थी और ट्विस्टर भी था, तो मैं थोड़े बहुत वो भी करती थी। और एक और चीज़ ये कि उसके साथ जी मैंने अपनी दोनों वेट मशीन्स रखी हुई थी जिसमें मैं अपना वेट भी करती थी, और मैं जो भी खाती थी मैं मैयर करती थी, उसके साथ मैं उसकी कैलोरीज भी काउंट करती थी कि कितनी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे देखिए एक दिन में लेनी होती थी 1000 से 1500 तक कैलोरीज, तो उनको मैं मैनेज करके लेती थी। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर लूँ कि मैंने डेली एक रोटी भी खाती थी, हेल्थ का प्रॉब्लम था तो मैं डेली मिल्क भी लेती थी, और मैं मेडिकेशंस के साथ मैंने बहुत सी मेडिसिंस के साथ ये सब कुछ मैंने किया, और इसका तकरीबन मुझे 1.5-2 साल लगे हैं, क्योंकि प्रोसेस मेरा बहुत ही स्लो था, बॉडी में मेरी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बहुत एफ़र्ट किया बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से मैं सारी पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं बहुत ज़्यादा, और ये मैंने अपने लैपटॉप में रखी हुई हैं और मैं हमेशा इनको देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अगेन मेरे में एक मोटिवेशन मिलती है मुझे। और ये वीडियो भी मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, आप लोग मोटिवेट हो अगर आप करना चाह रहे हो तो, और अगर आप स्लिम हो तो फिर आप गॉड गिफ्टेड, आपके लिए आप बहुत ही लकी हो। और आफ्टर 20 to 25 kg जो मैंने लूज़ किए हैं, स्टिल मुझे अभी भी लूज़ करने 10-12 kg, बट ये है कि आजकल थोड़ा सा मैं चीट ज़्यादा कर रही हूँ, चीट मील्स ले रही हूँ। बट एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैंने वेट मशीन रखी हुई है, दोनों वेट मशीन्स जो मेरे पास हैं, मैं हर वीक अपना वेट करती हूँ,
और जब मुझे लगता है कि मेरा हाफ़ के जी या 1 kg भी ज़्यादा हुआ है, तो आप यकीन करें कि मैं वेट बढ़ने बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। आप लोग देखते होंगे मेरे व्लॉग्स में, मैं हर चीज़ खाती हूँ। मैं मतलब आई लव फूड, फूड के बगैर मैं नहीं रह सकती, आई लव फूड। बट आजकल थोड़ी सी चीट्स चल रही हैं, इंशाल्लाह दोबारा मैं स्टार्ट करूँगी। बट मैंने अपना वेट मेंटेन किया हुआ है, मैं बिल्कुल भी उसको बढ़ने नहीं दे रही हूँ। ठीक है, जितना है उतना ठीक है, बट मेरी कोशिश होती है कि अगर एक दिन मैं केक खा रही हूँ, कुछ इस तरह का, हम बाहर चले जाते हैं, कोई फास्ट फूड खा लेते हैं, तो मैं नेक्स्ट 1-2 days में कोशिश करती हूँ कि दोबारा से जो है अपनी हेल्दी डाइट पे आकर और मैं उसको लूज़ कर लेती हूँ। और एक मैं आपको बात बताऊँ कि मतलब इन 2 सालों के बाद मेरी हैबिट्स टोटली चेंज हो गई हैं। मतलब मैं जो फ्राइज़ खा रही हूँ, फ्राइड फूड खा रही हूँ, मुझे कभी फील ही नहीं होती थी ये चीज़ें, बट अब मैं अभी भी खाती हूँ, आपने देखा होगा मैं खाती हूँ, बट ये होता है कि मैं वीक में बस एक दिन रखती हूँ, सैटरडे का या संडे का, कि चलो थोड़ा बहुत खा ली, और उसमें भी क्वांटिटी मैंने देखनी होती है कि मैं ये भर भर के प्लेट्स नहीं खाती। छोटा सा एक समोसा ले लिया, कोई रोल ले लिया, और उसको भी मैं टिश्यू से अच्छी तरह साफ़ करके फिर खाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊं जो आपके लिए, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हों, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों, और आप लोगों को कुछ भी पूछना हो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और मैं अगर एक एक डिटेल में बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मैं बताऊँगी आप लोगों को जो जो भी आप लोगों ने पूछना हो। और यकीन करें कि मैंने अपने फूड को स्टिल इंजॉय करती हूँ, मैं तब भी करती थी, मैं अभी भी करती हूँ। इवन कि मैं बेकिंग भी करती थी, खूब बेकिंग करती थी मैं। मैं ओट्स से रिलेटेड अपने जितनी भी हैं जो हेल्दी फूड है उससे रिलेटेड मैं इतनी डिशेस बनाती थी डिफरेंट कर कर के कि मैं कभी भी बोर नहीं हुई अपनी हेल्दी डाइट में। अभी तक मैं स्टिल बोर नहीं हुई, मैं इंजॉय करती हूँ। और एक और बात मैं आपको ये कहूँ कि मतलब 2-2.5 साल के बाद आप यकीन करें मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, मेरी हेल्थ के बहुत इश्यूज़ थे। मैं कभी आप लोगों से दोबारा हुआ तो ज़रूर डिस्कस करूँगी। और मैं बिल्कुल ही मायूस हो गई थी, इतनी उस डिप्रेशन के बाद मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब फील होता है, हॉरेबल है मेरे लिए वो सोचना भी। आज 2-2.5 साल के बाद आप यकीन करें मेरे सारे हेल्थ के इश्यूज़ सॉल्व हो चुके हैं। मैंने मतलब रेगुलर में मेडिसिन लेने वाली बंदी थी, मैं मेडिसिन के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सक रही थी। और इतने वेट लॉस के बाद, इतना लूज़ करने के बाद, माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बिल्कुल हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ, आप लोग देखते हैं मैं माशाल्लाह बहुत एक्टिव हूँ। मैं जॉब भी करती हूँ, मैं पूरा घर भी संभालती हूँ, मैं बाहर के काम भी करती हूँ, मुझे कोई भी इशू नहीं आता। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी डाइट हेल्दी रखूं। और ये तो हमारा एक देखिए कॉमन इशू है, इसमें तो कोई बात ही ऐसी नहीं है, ना कोई शर्म की बात है। अभी भी मैं ये देख कहती हूँ कि मैं पानी भी देखती हूँ तो मुझे लग जाता है, खाना तो दूर की बात, मैं कोई चीज़ देख भी लूँ तो मुझे लग जाती है फ़ौरन। तो ये एक कॉमन इशू है, बहुत से लोगों का है, मेरा भी है। बट मैं उस चीज़ पर जो है अब मैंने अपनी हैबिट्स चेंज की हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, हर चीज़ मैं इंजॉय कर रही हूँ। देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है और हर चीज़ खानी चाहिए, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए। बट ये है कि आप उसकी क्वांटिटी कम कर लो, आप एक दिन खाते हो आप नेक्स्ट डे उसको मैनेज कर लो, तो इस तरह से चीज़ें जो हैं लाइफ में अच्छी मैनेज होके चलती हैं। आप इंजॉय करते हो, आप अपने हस्बैंड के साथ भी बाहर खाते हो, आप अपनी फैमिली के साथ भी खाते हो, और आप अपना हेल्थ भी, अपना वेट भी, अपनी हेल्थ भी मेंटेन रखते हो। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी, कोशिश करूँगी इस तरह की वीडियोज़ बनाती रहूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हों। और आप अगर फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरा व्लॉग या मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। और इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाते जाते एक बात कहूँगी कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा, तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।